दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहां पर लगभग सभी ब्रांचों को एलिजिबल किया गया है। फ्रेशर्स एलिजिबल है। सैलरी आपको 40,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाली है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से 27 जनवरी को जारी किया गया है। ये रहा आपका नोटिफिकेशन नंबर। अगर हम बात करें एनएमडीसी लिमिटेड की तो ये आपकी एक नवरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। फिलहाल इनकी तरफ से अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपकी टोटल 42 पोस्टों पर भर्ती है जिसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के साथ एक्सटर्नल कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया गया है। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। यहाँ पर पोस्टिंग का आपकी एज ट्रेनिंग इंजीनियर रहेगी और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कम्प्लीट होगी फिर आपको यहाँ पर परमानेंट बेस पर रख दिया जाएगा। सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है फाइनेंस एंड अकाउंट ट्रेनी के लिए। टोटल आपकी 11 पोस्टों पर भर्ती है। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मटेरियल और परचेस ट्रेनी के लिए। टोटल 16 पोस्टों पर भर्ती है। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनी के लिए। इनके लिए टोटल यहाँ पर 15 पोस्टों पर भर्ती है। अब बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारे काम की वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है मटेरियल एंड परचेस ट्रेनी के लिए। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीबीटेक किया है किसी भी ब्रांच में, यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक ब्रांच को मेंशन नहीं किया गया है। अगर आपने बीबीटेक किया है किसी भी ब्रांच में और आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहां पर आपकी 32 ईयर रखी गई है। लेकिन यहां पर आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और PWBD कैंडिडेट को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और यहाँ पर आपकी वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। बात कर लेते हैं आपके मंथली स्टाइपेंड के बारे में। तो मंथली स्टाइपेंड यहाँ पर आपको 37,000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा। लगभग यहाँ पर आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग रहेगी। इसके बाद में जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर आपको परमानेंट बेस पर रख लिया जाएगा। तब सैलरी आपकी यहाँ पर 37,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑनलाइन रखा गया है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, फिर आपको जाना है कैरियर पेज में और आप लोग वहीं से अपना फॉर्म इजिली अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में। तो फॉर्म ऑनलाइन होने आपके शुरू हो चुके हैं 27 जनवरी से और लास्ट डेट यहां पर आपकी 17 फरवरी रहने वाली है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीबीटेक किया है किसी भी ब्रांच में, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते समय किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तो यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप लोग इस नंबर पर बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। यहाँ पर आपसे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। मल्टीपल चॉइस के आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी दोस्त हमारे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आगे आपको बताया है ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सारी जानकारी इनकी ऑफिशियल साइट पर टाइम टू टाइम पब्लिश की जाएगी, तो आप लोग इनकी साइट को रेगुलर विजिट करते रहिए। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीबीटेक किया है किसी भी ब्रांच में, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब सब्जेक्ट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।